नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा के सुभाष चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग के आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांजुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा अतिक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापान सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण आयोजन में इस जयंती समारोह में तालीम दी नहीं जाती परिंदों को, उड़ानों को, नई पीढ़ी नौजवानों के लिए, विशेषकर राजना के विकास और तमाम पुलिस जैसे लोगों के, सिद्धार्थ और साकेत और वर्धमान जैसे लोगों की तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों को उड़ानों की। वो खुद तय कर लेते हैं ऊंचाई आसमानों की, वो खुद तय कर लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। और जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने का, वो करते नहीं परवाह जमीन पर के जाने की। जैसे गांधी जी की 30 जनवरी को शहीद दिवस होती है, भगत सिंह की शहादत दिवस होती है 23 मार्च को, ऐसे ही आज के दिन 23 जनवरी को पूरा देश आने वाले सालों में आज की तारीख से शौर्य दिवस के रूप में मनाएगा। इसके लिए हम सब उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद। नेताजी को बहुत बहुत प्रणाम, श्रद्धांजलि, आभार। जिनकी फौज में मुख्यतः शहनवाज चुमार रहे, जिनकी फौज में मुख्यतः शहनवाज चुमार रहे और कर्नल ढिल्लन लक्ष्मी सैकल सिपा सलार रहे, खूनी हस्ताक्षर से जिनने दिया शौर्य पैगाम है, उस क्रांति के पर्याय को सौ सवार सलाम, उस क्रांति के पर्याय को सौ सवार सलाम है। जिनके नाम से